चलो प्रेयर कर ले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु So, यहां तक का सोलर पावर तक का हमने देखा था। हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। तो उसमें नेक्स्ट है हमारा विंड पावर। अब जैसे हमने बताया कि ट्रॉपिकल रीजन की वजह से सोलर रेज भी बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, वैसे ही विंड भी बहुत चलती है, क्योंकि कोस्टल लाइन है इतनी बड़ी। सो कोस्टल लाइन पे हमेशा बहुत ज्यादा विंड चलती है। इसीलिए हमारे पास विंड पावर भी उतना है। इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। मतलब कि तमिलनाडु में, दोनों ही तमिलनाडु के रीजन है, तो नागरकोइल टू मदुराई वो पूरे रीजन में विंड मिल्स, ओके, क्लस्टर मतलब ऐसा नहीं कि एक विंड टर्बाइन लगा दिया, पूरा का पूरा क्लस्टर। मतलब जैसे कि सोलर पैनल हम कैसे लगाते हैं कि भाई यहाँ पर एक, फिर बाजू में ही दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके नीचे भी 1 2 3, उसके नीचे भी 1 2 3, वैसे ही विंड टर्बाइन के भाई यहाँ लगाया, थोड़े डिस्टेंस में यहाँ लगाया, फिर डिस्टेंस डिस्टेंस पे लगाते ही गए। तो एक बहुत बड़े ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर। ओके, सो वैसे क्लस्टर में लगा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स। देखो सारे के सारे कोस्ट है, ओके, गुजरात में भी हमारा जो कोस्ट है द्वारकाधीश, मतलब क्या द्वारका, तो द्वारका से लेकर के पूरा यहां तक आ जाए हम साउथ गुजरात में, पूरा कोस्टल लाइन। फिर महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, केरला आ गया, फिर ये साइड आया तो तमिलनाडु तो है ही, फिर आंध्र प्रदेश। ओके, तो वैसे ही पूरा सारा का सारा कोस्टल में बहुत ज्यादा, और लक्षद्वीप पे भी बहुत ज्यादा विंड एनर्जी हमें मिल रही है। विंड एनर्जी इन द सेंस, सिर्फ थोड़ी हवा चल रही हो, जैसे हमारा ये फैन है और यहाँ पे हम टर्बाइन लगा देंगे तो वो घूमेगा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा विंड फोर्स चाहिए। थोड़ा बहुत विंड फोर्स नहीं चलेगा, ज्यादा विंड फोर्स चाहिए, क्योंकि तभी वो टर्बाइन घूमेगा। और वो टर्बाइन घूमेगा तो फिर उसके साथ जो कनेक्टेड गियर बॉक्स एंड देन जनरेटर है वो घूमेगा। अगेन जनरेटर घूमा, दैट मींस के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। सो वो चीज है। नागरकोइल एंड जैसलमेर राजस्थान आर वेरी फेमस फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया। तो ये दो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, राजस्थान जैसलमेर और नागरकोइल, ओके, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस का यूज तो हम सोलर और विंड से भी पहले से कर रहे हैं बायोगैस का। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेस्ट ही इतना ज्यादा मिलता है। सो इट इज जनरेटेड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स का डीकंपोजिशन होगा, वो सड़ेंगे, ओके, डीकंपोजिशन होगा, लाइक श्रब्स मतलब के प्लांट्स, देन फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट इन बायोगैस प्लांट्स। सो ह्यूमन के वेस्ट भी आ गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, और वॉट एवर एनिमल्स का एक्सक्रीशन ले लो, ह्यूमन का भी ले लो, देन जो भी वेस्ट है वो सारे के सारे एक जगह पर रख कर उसको डिग्रेड किया जाता है। मतलब कि उसको पर्टिकुलर ऑक्सीजन
कम रख के बंद रख के लाइट भी पर्टिकुलर अमाउंट में ही लाइट अंदर जानी चाहिए, सारी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डिग्रेड एक साथ हो गया तो वो यूजफुल नहीं रहेगा फिर। ओके सो वैसे उसका पूरा प्लांट बनाया जाता है, शायद तुमने देखा हो कहीं पे देखा है, अदरवाइज ग्राम पंचायत में तुम देख सकते हो, जैसे मक्तमपुर ग्राम पंचायत है, सिद्धि विनायक टेम्पल गए तो सिद्धि विनायक टेम्पल से चलते चलते ऐसे ऐसे करके ऐसे रोड आ रहा है, फिर टर्न आ रहा है, और टर्न ना ले और सीधे जाए तो सिद्धि विनायक टेम्पल आएगा। ये जो टर्न लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ टर्न लेते हैं ना, ये साइड पे ऑफिस है सरपंच की, ग्राम पंचायत की, वहीं पे बहुत बड़ा सा बायोगैस प्लांट है। मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा बायोगैस प्लांट है, ऐसा लगेगा कोई टंकी है ऐसे डोम शेप वाली, सो दैट इज बायोगैस प्लांट। तो वो डोम शेप वाली टंकी के अंदर कचरा डाला जाता है। ओके तो जब अब टेम्पल जाओ तब देख लेना। ओके सो बाहर से तो हमें क्या लगेगा कि भाई डोम शेप वाला कोई बहुत बड़ा टंकी है, उसके अंदर सब डाला हुआ है और अंदर हो रहा है डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके सो इट इज जनरेटेड बाय डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट इन बायोगैस प्लांट्स। इट हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी देन केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। थर्मल एफिशिएंसी मतलब थर्मल एफिशिएंसी, जितना जलाओ और उसके बाद तुम्हें जितना आउटपुट मिले, वो आउटपुट जो मिलता है वो यहाँ पे हायर मिलता है। मतलब जो हीट मिलेगी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ केरोसिन को तुम कंबस्ट करो, और से डंग केक, ओके काउ डंग, और से चारकोल, कुछ भी हम जलाए उससे भी अच्छा है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस, मतलब कि जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ नेचुरल गैस इन द सेंस, यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे ज्यादा जो पावरफुल और सबसे लार्ज क्वांटिटी में जो गैस मिलता है हमें, दैट इज मीथेन गैस, और वो एक फ्यूअल है। ओके सो वो मिलता है हमें, और उसकी थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी मतलब उसको जलाएंगे तो मोर हीट मिलेगी हमें। ओके वो मिलेगा। इट इज चीप एनवायर, सस्ता है, ज्यादा कुछ इनपुट दिया नहीं, सब कुछ वेस्ट में से वेस्ट बनाया हुआ है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, फ्रेंडली इसलिए क्योंकि इसमें से जो गैसेस निकलेंगे वो उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होंगे जितने बाकी सब चीजें जलाने में होता है। एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ट्रीज यूज्ड फॉर द फायरवुड, कि लकड़ियां हम जलाते हैं तो लकड़ियां लाने के लिए कितने ट्रीज को काट, मतलब अब तो नहीं काटते लेकिन ये तो कहने की बात है कितने ट्रीज कटते ही है। ओके सो वो बच जाएगा क्योंकि जलाने के लिए तुम्हें गैस मिल गया तो तुम क्यों फोकट का कुछ ट्रीज को काट दोगे। ओके सो ये भी हम मतलब उसका यूज करते हैं। देन इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग इन रूरल एरियाज। तो अब तो ये तो पहले की बात है, नहीं तो अभी तो पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, पूरे इंडिया में। ओके सोचो 2016 में पहुंची, आई थिंक 1947 से 2016 इतने साल लग गए हमें सब जगह इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। ओके तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना मतलब कनेक्शन पहुंचना, अभी भी पूरे इंडिया में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती। इलेक्ट्रिसिटी हो गई है मतलब क्या, वहां पे पॉइंट आ गया है, बल्ब लगा सकते हो तुम, कुछ यूज कर सकते हो, बट पावर होगा तो यूज करोगे। ओके सो दैट इज डिफरेंट थिंग, अभी भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करना हमें बाकी है। ओके सो लाइटनिंग के लिए भी यूज होता है और कुकिंग के लिए भी यूज होता है, जैसे केरोसिन भी, केरोसिन लैंप होते हैं विलेजेस में यूज करते हैं, तो वैसे ही लाइटनिंग के लिए भी यूज होता है और कुकिंग के लिए भी यूज होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्यूअर। तो ये बन तो गया बायोगैस, अब जो डिग्रेड नहीं हुआ और कम डिग्रेड हुआ और वॉट एवर जो बच गया, लास्ट में बच गया, गैस मिल गया तुम्हें, खत्म, अब इसका डिग्रेड हो गया, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो जो है वो भी मैन्यूअर का काम करता है। मतलब वेस्ट का वेस्ट है, वो वेस्ट का वेस्ट, लेकिन फिर भी वो वेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मैन्यूअर का काम करता है, तो डायरेक्टली तुम एज ए मैन्यूअर यूज कर लो फार्म में, सो तुम्हें मतलब मैन्यूअर के पैसे बच जाएंगे, फर्टिलाइजर के पैसे बच जाएंगे। सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्यूअर। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेटिव्स एंड ऑल्सो बाय द इंडिविजुअल्स, जनरली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ही, जैसे यहाँ मैंने बताया तो वो ग्राम पंचायत का है। ओके तो गवर्नमेंट ही डालेगी, क्यों, क्योंकि ज्यादा चाहिए, जैसे तुम्हारे घर में जितना कचरा होगा वो सारे कचरे का तुम अगर पिट बना दो और बायोगैस प्रोड्यूस करो तो उससे तुम्हारे घर को ही मिलेगा गैस, बाकी को नहीं मिलेगा, उतना ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि कोई थोड़ा बिग अमाउंट में हमें बनाना पड़ेगा, बड़े पिक्चर में बनाना पड़ेगा।
सो इसीलिए म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिव्स एंड आल्सो डन बाय इंडिविजुअल्स. बायोगैस प्लांट्स आर आल्सो नोन एज द गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया. स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था ये बायोगैस प्लांट तो इसका नाम यही था, गोबर गैस प्लांट. ओके क्यों? क्योंकि उसमें मेनली जो होता है वो काउडंग होता है, गोबर होता है, इसलिए इसका नाम था गोबर गैस प्लांट. देन नेक्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी जो टाइड इन टाइड आउट की टाइड आउट आता है, कहां पे आता है? ओशन में या रिवर में? ओशन में. मतलब क्यों आता है टाइड, आता क्यों है? ये तो बहुत बार डिस्कस किया है. टाइड वाला जो है वो कुछ मून से भी रिलेटेड है. हाँ, मून से ही रिलेटेड है. मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पानी अट्रैक्ट हो जाता है एक साइड में, तो एक साइड में कम हो जाता है, एक साइड में ज्यादा हो जाता है. ओशन का वाटर, ये एक साइड ओशन में ज्यादा हो गया तो वहां रिवर जा रही थी, अब नहीं जा पाएगी क्योंकि वहां पे ओशन का वाटर ही ज्यादा हो गया. तो ये जो रिवर है वो रिवर का वाटर भी एक साइड इकट्ठा होने लगता है. सो अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, इसी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी, इसी को बोलते हैं टाइड्स. ओके, टाइड इन टाइड आउट, मतलब जब ऐसे आए पानी की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसे टाइड इन बोलेंगे, और जब कम होने लगे तो उसको बोलेंगे टाइड आउट. ओके, उसी को बोलेंगे टाइड इन एंड टाइड आउट. ओके, सो इससे कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करें? तो जो टाइड इन और टाइड आउट होता है, मतलब पानी तो आ रहा है, तो तुमने अगर बीच में टर्बाइन रखा है एंड दैट टर्बाइन रोटेट्स अराउंड से 15-18 टाइम्स, पूरा एक चक्कर लगा दिया, एक चक्कर एक बार लगाया, दो बार लगाया, तो अगर टाइड इन के टाइम पे से 15-20 टाइम्स अगर वो घूम रहा है और फिर वापस टाइड आउट होगा तब भी वो घूम रहा है, सो वो जो मोशन हो रही है वो मोशन का हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज द टाइडल एनर्जी. ओके, तो हमने बीच में क्या रख दिया? टर्बाइन रख दी है. अब पानी, सपोज ये रिवर है. ओके, सपोज ये रिवर है और रिवर में पानी ऐसे बह रहा है, और अब क्या हुआ कि तुमने बीच में टर्बाइन लगा दिए. ओके, यहाँ पे बीच में ऐसे, तो होगा क्या कि जब डायरेक्शन होगी तुम्हारी ये साइड में, तो नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा मानते हैं कि ये टॉवर्ड्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारे, नर्मदा रिवर, तो ये डायरेक्शन है. लेकिन टाइडिंग के टाइम पे क्या होगा कि ये साइड अभी एक्सेप्टेंस बंद हो गया है, ओशन में जाएगा नहीं पानी, तो अब क्या होगा कि पानी की डायरेक्शन ये साइड की हो जाएगी, ये साइड की डायरेक्शन हो जाएगी. दैट मींस कि यहां से ये सारे अंदर आएंगे तो ये घूम लेगा. ओके, ये मैंने ड्रॉ ऐसे किया हुआ है, लेकिन वो कैसे होंगे? राउंड शेप में होंगे, टर्बाइन होंगे. तो टर्बाइन को ऐसे घुमाते घुमाते, सपोज ऐसे जा रहे थे, ऐसे घूम रहे हैं. ओके, अब पूरा एक घंटा टाइड इन हुआ, फिर अब टाइड आउट हो रहा है, तो टाइड आउट होगा. देखो 24 आवर्स में एक ही बार टाइड इन टाइड आउट होता है. क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट नजदीक मून एक ही तो बार आता है, बार एक ही जगह पे थोड़ा रहेगा, क्योंकि सपोज ये हमारी अर्थ है और ये मून है. ओके, तो ये अर्थ मून और ये और मून और अर्थ हम यहां पर है, तो ये नजदीक आ गए, अब वापस दूर चलने लगे. इसीलिए तो मून हमें कंटिन्यूअस नहीं दिखता, अगर एक ही जगह पे रहता तो फिर मून 24 घंटे दिखता, लेकिन 24 घंटे दिखता नहीं, और 12 घंटे दिखता है तो 12 घंटे भी एक ही जगह पे नहीं दिखता, वो मूव कर रहे हैं. सो हो क्या रहा है कि जब अंदर आ रहे हैं उसकी वो घूम रहा है, वापस जब रिटर्न जा रहे हैं तब भी घूम रहा है. ओके, सो ये जो रोटेशन हो रही है, दिस रोटेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये रोटेशन, मतलब गियर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा और वो गियर बॉक्स कनेक्टेड होगा जनरेटर के साथ, एंड जनरेटर अगर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ओके, सो दैट इज देयर, इट इज द एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ ओशियनिक टाइड्स विच कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो ओशियनिक टाइड्स मतलब ओशन में जो आते हैं, दोनों में आते हैं, रिवर में भी ओशन में भी, लेकिन ज्यादा अमाउंट, ज्यादा पानी कहाँ होगा? ओशन में.
तो और ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश्ड है, इंडिया में इतना हमने नहीं किया है अभी रिसर्च लेवल पे चल रहा है और हम अभी यूज नहीं कर रहे। ओशन तो हमारे पास भी ऐसे भर के पड़ा हुआ है बट हम इसका यूज नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा यूज कर रहे हैं विंड का और सोलर का, हमने बचा के रखा हुआ है, करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो सारी की सारी सभी सभी में इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट। ओके, रिन्यूएबल है तुम्हें सस्ता पड़ेगा, कई केस में फ्री पड़ेगा, भाई सोलर एनर्जी डाल दी, 5 मेगावाट का प्लांट डाल दिया, तुम्हारे कंजम्पशन इतना है नहीं, यूज इतना है नहीं, तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही पे नहीं करना, क्योंकि कितनी अच्छी बात है, लगा दो, लेकिन वो प्लांट आएगा 1 लाख 1.5 लाख, तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए सब लोग नहीं लगा पाते। ओके, जैसे कि बाइक का ले लो, तो जैसे तुम्हारी नॉर्मल एक्टिवा अगर 1 लाख की आती हो तो तुम ओला इलेक्ट्रिकल लेने जाओगे या कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेने जाओगे तो 1,50,000, 1,40,000, 1,30,000 वैसी आएगी। हम सोचेंगे पेट्रोल वाली 1 लाख की और ये वाली इतनी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, तो हाँ क्यों, आगे जाके फ्री हो गई ना तुम्हारी, पेट्रोल वाली घुमाते रहो उसकी वैल्यू डाउन होगी और इसकी वैल्यू भी डाउन ही होगी, बट सपोज 3 साल घुमाई तुमने, तो 3 साल के बाद तुमने सपोज उतना ड्राइविंग है अगर, तो 3 साल में तुमने सपोज 1.5 लाख रुपए का पेट्रोल जाने वाला था, 3 साल में तो नहीं जाएगा इतना, लेकिन से 5 साल 10 साल में फिर वो फ्री हो गया, तुम्हें वो फिलअप नहीं करवाना है हर बार। ओके, और पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ेगा ही, तो कितना भी बढ़े लेकिन तुम्हारा तो फ्री हो गया है, लाइक दैट। लेकिन कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए गवर्नमेंट भी ज्यादा एफर्ट डाल रही है, उनके पास तो है पैसे बट उतने ज्यादा भी नहीं जितने सोलर और विंड पे लगते हैं, बायोगैस पे लगते हैं, उतने टाइडल पे, ओशन थर्मल पे नहीं, जियो थर्मल, ओशन थर्मल, टाइडल, उन पे उतने नहीं लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज्यादा यूज करती है ओशन टाइडल एनर्जी का। ओके, मेरा मास्टर डिग्री ही इसमें है, तो मुझे बोलना हो तो मैं बोलते रहूंगा, 1 घंटे बताते रहूंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि ये है वो है, बट इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, कि टाइडल एनर्जी है उसका प्रोसेस, तो जैसे मैंने बताया वही प्रोसेस है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स फ्रॉम वेयर वाटर एंटर्स ड्यूरिंग द हाई टाइड, मतलब कि एक बंद ही करते हैं, एक तो होता है ओपन जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, तो वो ओपन है, पानी आएगा घुमाएगा और जाएगा। दूसरा होता है कि तुम कंस्ट्रक्शन कर लो डैम टाइप के, मतलब कि ये तुम्हारी रिवर है और से ओशन ओशन है, रिवर है, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पर तुमने एक बेसिन जैसा बना लिया है। ओके, तो और ये गेट है, ये गेट है, तो अभी जैसे ही हाई टाइड लो टाइड व्हाटएवर आएगा, पानी मतलब कि क्वांटिटी आएगी, तो ये पानी तो यहाँ जा रहा है लेकिन बीच में ये आ गया ना, तो पानी थोड़ा बहुत इसमें भी चला जाएगा। ये गेट ओपन, ये गेट ओपन है इसलिए अंदर चला गया, अब गेट को बंद कर दिया, जैसे ही पूरा फुल हो गया गेट बंद हो गया। अब जब पानी जा रहा होगा, अभी जाएगा तो फुल फोर्स में नहीं जाएगा, लेकिन पानी जब वापस जा रहा होगा तब हम ये गेट को खोल देंगे, तो ये जो पानी जा रहा है उसके साथ ये पानी भी बाहर निकल के चला जाएगा, लेकिन जाने के टाइम पे भी वो टर्बाइन घुमाया, आने के टाइम पे भी उसने टर्बाइन घुमाया, तो दैट इज एक क्लोज सिस्टम है। मैंने जो पहले डिस्कस किया था वो अपन ये बिल्ड कर देंगे, दैट इज क्लोज। ओके, सो अक्रॉस द इनलेट फ्रॉम वेयर वाटर एंटर्स ड्यूरिंग द हाई टाइड द गेट्स आर क्लोज्ड। ओके, वंस इनफ वाटर फ्लोज इन, मतलब पूरा का पूरा आ जाए तो क्लोज कर दो। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट द वाटर रिटेन्ड इनसाइड द गेट इज मेड टू फ्लो आउट थ्रू अ पाइप दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन, कि पूरा भरने दो पहले, जैसे डैम में कैसे है कि भाई पानी तो होता है लेकिन हमेशा हमें ओवरफ्लो होता हुआ या फिर टर्बाइन हमेशा चलते हुए नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई पानी की क्वांटिटी बढ़ने दो, फिर तुम्हें लगे कि भाई अब तो पानी यूज ही करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरफ्लो होके वेस्ट हो जाएगा, तो जब तुम्हें ऐसा लगे वो लेवल पे पहुंचो तब तुम टर्बाइन शुरू कर दो, तो धीरे 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 वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, वहां से पानी टर्बाइन पे घूमता रहेगा। लेकिन तुम 365 डेज टर्बाइन चलाओ वो जरूरी नहीं है, क्योंकि 365 डेज उतने हाई लेवल ऑफ वाटर हमें नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट इज देयर। एंड आइडियल कंडीशन फॉर प्लेसिंग दी जनरेटिंग दी टाइडल एनर्जी इन इंडिया, तो देखो इंडिया गल्फ ऑफ खंबात अपने गुजरात के पास, द गल्फ ऑफ कच्छ अगेन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द गैंगेटिक डेल्टा इन द सुंदरबन रीजन वेस्ट बंगाल वाला, ओके, ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग द टाइडल एनर्जी, मतलब कि
ये हमने एक सेंटेंस में लिख दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन बहुत डिटेल्ड होता है ये कि भाई जैसे विंड एनर्जी का बोला कि इतनी विंड फोर्स इतना होना चाहिए, नहीं तो हवा तो चलती ही रहती है, हवा स्टॉप होगी तो भी वो मूव तो कर रही है, हमारे लिए वो स्टॉप हो गई क्योंकि हम उतना मैक्रोस्कोपिक देख रहे हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक देखे तो स्टॉप तो होती नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, थोड़ी मूवमेंट कम है तो हमने बोल दिया कि स्टॉप है ओके, लेकिन स्टॉप तो कुछ होता ही नहीं। अभी जैसे कि हमने स्टिलनेस के बारे में पढ़ते हैं ओके, जैसे कि पानी है, तालाब में पानी है और ऐसे है, तो हम बोलेंगे इट इज अ स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर है लेकिन उसके अंदर जो एटम है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे, भाई वाटर स्टिल है तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे अंदर, इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं वो ओके, दैट इज स्टेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, एटम घूम रहे हैं, साथ साथ में जिससे बना हुआ है वो वाटर बना रहा है तो वो वाटर भी घूम रहा है ओके। सो दैट इज डीप स्टडी, बट हमारे 10th के सिलेबस एंड क्लास के हिसाब से इतना इनफ है कि जो रिसर्च के हिसाब से जो सबसे ज्यादा सूटेबल एरिया है, नहीं तो पूरा कोस्ट लाइन है तो पूरा ही कोस्ट लाइन सूटेबल है, लेकिन नहीं पूरे कोस्ट लाइन नहीं, वेस्टर्न कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल का गंगेटिक जो रीजन है, डेल्टा है, वो एक सूटेबल है किसके लिए, टाइडल के लिए ओके, टाइडल एनर्जी के। देन एक आता है नेक्स्ट हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब जमीन ओके, तो लैंड के सॉइल के अंदर जो थर्मल एनर्जी है, अब जैसे कि नीचे मोल्टन मैग्मा है ओके, वोल्केनो इरप्शन होगा तब की बात तब, लेकिन नीचे तो है ही वो, अब नीचे की जो हीट है वो नीचे की हीट ऊपर आए 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 तो हमारा जो वाटर लेवल होता है, बारिश होगी और जो भी वाटर लेवल है वो जमीन का वाटर लेवल होता है, सॉइल का वाटर लेवल होता है, वो वाटर जो बीच बीच में जमीन में कहीं पर भी फंसा हुआ है एंड ऑल, तो अब ये जो ऊपर नीचे जो हीट है वो हीट से ये वाटर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और वो स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो दैट यूजेस दैट एनर्जी ओके, वो वाटर ने वो जियो थर्मल एनर्जी को यूज कर लिया। और फिर हम बोलते हैं ना कि गर्म पानी के कुंड है, तो गर्म पानी के कुंड को हमने दैट इज डिफरेंट थिंग, हम कुछ अलग रिलीजियस चीज से जोड़े, दैट इज अनदर थिंग, बट साइंस के हिसाब से वॉट इज दैट, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी, अरे भाई माउंटेन में भी जियोथर्मल एनर्जी, हिमालय में भी जियोथर्मल एनर्जी, तो हाँ जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है उसके नीचे भी इतनी गर्मी है, सोचो ऊपर इतना बर्फ इतना ठंड और माइनस डिग्री में, और नीचे मतलब 100 से भी ऊपर चले जाओ, 100 तो बहुत कम बोल दिया, उतना मतलब से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स डिग्री टेम्परेचर है नीचे, जिससे अंदर का ग्राउंड वाटर इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी स्टीम बन के बाहर आ रहा है ओके। सो दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ओके। सो जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ ग्रोज हॉटर विद द इंक्रीज इन डेप्थ, वो तो हमें पता ही है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उतना हॉट होता जाएगा। देन एट सम प्लेसेस दिस जियोथर्मल ग्रेडियंट इज सो हाई दैट हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट अ शैलो डेप्थ, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी है हम नीचे जाएंगे तो ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन कई कई जगह ऐसी है कि हम बहुत नीचे ना जाए तो भी उतना हॉट टेम्परेचर हमें मिल जाता है ओके। जैसे अभी हमने बात की हिमालय, वो तो हम ऊपर जा रहे नीचे नहीं जा रहे, फिर भी वहां पे हमें थोड़ी बहुत डेप्थ पे हमें मिल जा रहा है, और हमारे जो पिलग्रिमेज है वो सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस जो है वो बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस के पास ऐसे हॉट वाटर रिजर्वायर है ओके। सो नेचुरली है, नॉट आर्टिफिशियली, नेचुरली है ओके। सो शैलो रीजन मतलब थोड़े लो रीजन में मिल जाता है। सो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट इन दिस एरिया एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट एंड राइजेस एज स्टीम, तो स्टीम के तौर पे बाहर आ जाता है, एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव द टर्बाइंस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही स्टीम का हम यूज करते हैं, जैसे स्टीम पावर प्लांट में स्टीम का यूज करके टर्बाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही यहाँ पर, लेकिन जो स्टीम पावर में तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, और ये इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे हम आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा वाटर को बॉइल करके स्टीम बनाते हैं, यहाँ पे उतनी ज्यादा स्टीम नहीं बनती क्योंकि उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर थोड़ी, और ज्यादा ग्राउंड वाटर हो तो भी कंटिन्यूअस थोड़ी निकलता रहेगा भाई, ये जितना है उतना 2-3 महीने निकला, उसके बाद जब बारिश होगी ग्राउंड वाटर अंदर वापस जाएगा, उसके बाद वाले टाइम में वो वापस निकलना स्टार्ट करेगा। सो इट्स नेचुरल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट श्योरिटी नहीं दे सकते ओके। देन
कहाँ है? तो भाई लद्दाख वाले रीजन में है और हिमाचल में भी है। देखो पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख आर टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स टू प्रोड्यूस द जियोथर्मल एनर्जी। अभी भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, वो एक कोई पावर प्लांट नहीं है कि हम उसका यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, कंपेयर नहीं कर सकते, मिलती तो है इलेक्ट्रिसिटी, तो अच्छी खासी बनती है, लेकिन जो हम कोल बेस पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। बट कुछ मिल रहा है ना भाई, फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर तुम जला के स्टीम बना रहे हो, यहाँ पे तुम्हें फ्री में स्टीम मिल रही है, तो कुछ भी तो मिल तो रहा है एटलीस्ट। ओके, सो दैट इज देयर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कि ये सब जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए। सारे ही अब आ गए इसमें, रिन्यूएबल को कंजर्व करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो नॉन रिन्यूएबल है उसको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। और अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी और व्हाई वी शुड, व्हाई और व्हाट और हाउ, कुछ भी लगा के पूछ लेंगे कि हमें कंजर्व कैसे करें इसको, ओके, सस्टेनेबल मैनर में कैसे यूज करें, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देन सिंस एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी नीड टू कंजर्व इट, मतलब एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। कल ही हमने देखा था कि कितना पर हेड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसके बेस पे भी डेवलपमेंट का इंडेक्स बनता है। जैसे पर कैपिटल इनकम होती है कि इतना इनकम कर रहे हैं ये लोग, ये नेशन के लोग, तो ये ग्रोथ कर रहा है, वैसे ही पर कैपिटल कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है। जैसे कि हमारे घर में वन मंथ में सपोज हमने 200 यूनिट स्पेंड किए और घर में पांच लोग रह रहे हैं तो सबको एवरेजली डिवाइड कर दे तो एक ने 40 यूनिट कंज्यूम किए, एक ने, ओके, तो वो 40 यूनिट एक ने कंज्यूम किए। वैसे डेवलप्ड कंट्री है वो कितना कर रहा है, सो उसके बेस पे वो लोग ज्यादा कर रहे होंगे, इसीलिए तो डेवलप्ड कह रहे हैं हम, ओके, सो हम कंजर्व कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंजर्व नहीं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी वो भी एक डेवलपिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स इंडेक्स है, ओके। टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू प्रोमोट एनर्जी कंजर्वेशन बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, तो अगर हमें कंजर्व करना होगा तो सस्टेनेबल के तौर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और वेस्टेज को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड टू इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और उसका यूज ही बंद कर दो, सस्टेनेबल यूज करो, जितना यूज कर रहे हो उतना सस्टेनेबल यूज करो, कोल माइंस और उसका जितना हो सके उतना कम यूज करो, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही, तो फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करो, बायोगैस यूज करो, सोलर यूज करो, विंड, ये तीन तो हम अच्छे से यूज कर ही रहे हैं, बायोगैस, सोलर एंड विंड, और जो बाकी है उसमें भी हमारे पास पोटेंशियल तो है, जैसे टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल गुजरात और वेस्ट बंगाल में है, ओके, जियोथर्मल का है जो लद्दाख और पुगा वैली हिमाचल में चल रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, उतना ज्यादा उसका मतलब स्केल नहीं है, ओके, बट हमारे पास रिन्यूएबल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है दैट इज सोलर एंड विंड, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा, ओके, और जो तुम्हारा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है और जो हाइडल पावर प्लांट होता है उसको तुम कहाँ रखोगे, रिन्यूएबल में रखोगे या नॉन रिन्यूएबल में रखोगे, सो इसको तुम दोनों जगह रख सकते हो, बट उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना पड़ेगा, ओके, कैसे, जैसे कि पानी है तो तुमने पानी डैम बना दिया, ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ऊपर पानी भर लिया, पानी भरने के बाद उसको टर्बाइन घुमाया और पानी जा रहा है, तो भाई टर्बाइन घूम गया मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब ये पानी को तुम यूज कर सकते हो ना भाई, हम तो वही यूज कर रहे हैं, यहाँ जो पानी आएगा नर्मदा में जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो भाई वो तो टर्बाइन घूम के ही आ रहा है, ओके, तो हमने रीयूज किया, ओके, तो रिन्यूएबल तो है ही क्योंकि बार बार एक ही पानी को तुम यूज कर सकते हो, मतलब वो एक बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद भी तुम यूज कर सकते हो वैसे, लेकिन कब तक, जब तक तुम्हारे पास सोर्स है, वाटर सोर्स है तब तक। ऐसा नहीं है कि ऐसा समझो जस्ट लॉजिक लगाओ, नहीं सर कंटिन्यूअस भी डेवलप कर देते हैं, यहां से फेंका, यहां टर्बाइन घुमा, फिर ये पानी है उसको बहने ही मत दो, इसको भी स्टोर कर लो, ये जो टर्बाइन घूम के जो पानी आया उसको भी स्टोर कर लो, फिर बोले इसको वापस पंप से ऊपर डाल दो डैम में। फोन आ रहा है तो बंद हो गया होगा।